नमस्कार प्यारे साथियों, रियल इंडिया चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने परसों यानी 13 मई 2022 को शाम को जो है लाइव आकर के अपने चैनल पर आप सभी को जो है MPSW मेल फीमेल भर्ती के बारे में जो है अपडेट दी थी कि क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है, और मैंने ये भी कहा था कि मैं पूरी डिटेल जो आपको कंप्लीट जानकारी होने के बाद ही जो मैं आपको बताऊँगा, तो आज मैं उसी को लेकर के आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें और जहाँ तक उसके मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं लेटर दिखाऊँगा 6/5/2022 को, जो कि स्वास्थ्य सुपरवाइज़र संघ हरियाणा ने, जिसके प्रधान राम मेहर वर्मा जी हैं, वित्त सचिव रणधीर सहल जी हैं और महासचिव सतपाल खासा जी हैं, उन्होंने जो है लेटर जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय हरियाणा सरकार चंडीगढ़ अनिल विज जी को जो है ये लेटर लिखा था, जो कि यूट्यूबर ने कुछ दिन पहले जो है डाल भी दिया था चैनल पर, लेकिन मैंने ज़रूरी नहीं समझा था। मैंने सोचा कि जब तक कंप्लीट इसके बारे में जो जानकारी ना ली जाए तब तक मैं ना डालूं तो सही रहेगा, और कंप्लीट जानकारी लेकर के जो मैं अपलोड करूँगा तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी जानकारी अगर देते हैं तो पूरी डिटेल साथ देनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो जैसा कि इसमें लेटर में लिखा हुआ है, सेवा में माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय हरियाणा सरकार चंडीगढ़, क्रेडिटेशन 312 पोस्ट ऑफ MPSW मेल इन 312 सब हेल्थ सेंटर्स ऑफ द स्टेट, जो 312 सब हेल्थ सेंटर बने हैं जो हरियाणा के अंदर, उनके अंदर जो है 312 पोस्टों के क्रेडिटेशन यानी सेंक्शन को लेकर के जो है नई पोस्ट जो है करने को लेकर स्वीकृत करवाने को लेकर के जो है पत्र लिखा गया है, और आप इसमें लिखा है कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपकी सेवा में अनुरोध सहित लिखा जाता है कि राज्य के विभिन्न जिलों में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केंद्रों में से 325 ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन पर अभी तक सरकार के नॉर्म के अनुसार जो है MPSW मेल के पद स्वीकृत ही नहीं किए गए हैं। तो MPSW मेल पद स्वीकृत न होने से इन उप स्वास्थ्य केंद्रों के दिन आने वाली लाखों की आबादी MPSW मेल की स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है, और राज्य के विभिन्न जिलों के इन 312 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर MPSW मेल के पद स्वीकृत करवाने हेतु महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ हरियाणा पंचकूला द्वारा अपने कार्यालय पत्र क्रमांक 4/172-1 योजना-2022/CFMS नंबर 3347 दिनांक 3/3/2022 को अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग हरियाणा सरकार की सेवा में प्रस्ताव भेजा गया था। तो प्रस्ताव की प्रति साथ संकलन है, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग हरियाणा सरकार द्वारा अपने कार्यालय पत्र, ये पत्र क्रमांक दे रखा है, और ये दिनांक जो है 21/3/2022 द्वारा कुछ आपत्ति लगाकर उक्त प्रस्ताव को वापस महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा हरियाणा पास भेज दिया गया, और पत्र साथ संलग्न है। तो अतः इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग हरियाणा सरकार द्वारा लाई गई आपत्तियों को दुरुस्त करवाते हुए वर्षों पहले स्वीकृत राज्य के इन 312 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर MPSW मेल का पद स्वीकृत करवाने कृपया करेंगे, ताकि इन 312 उप स्वास्थ्य केंद्रों के दिन आने वाली तारीखों की आबादी की भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त हो सके। आशा है कि आप जनहित में राज्य के 312 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर MPSW मेल के पद शीघ्र अतिशीघ्र स्वीकृत करवाने कृपया करेंगे, और ये जो है सिग्नेचर कर रखे हैं प्रधान ने स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ हरियाणा से है जो। उसके बाद मैं आपको एक दूसरा लेटर साथ में दिखाता हूं, जो कि 8 मई 2022 को जो है ये लेटर लिखा गया है, और ये लेटर जो है MPHS मेल और फीमेल पदों को लेकर के लिखा गया है, ये भी जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखा गया है, और ये जो है श्री रामेर वर्मा जी हैं प्रधान स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ हरियाणा, उन्होंने लिखा है। बहुत ही मेहनती हैं हमारे रामेर वर्मा जी, जो कि बार बार जो है स्वास्थ्य विभाग को लेटर लिख रहे हैं MPSW और MPHS पदों की भर्ती को करवाने के लिए। तो इस वो जो अपने जो पूरी तरह से जो है कोशिश किए हुए हैं, लेकिन हमें भी जो है उनका जो है साथ देना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। जब हम उनको सपोर्ट करेंगे सभी मिल करके, तो स्ट्रेंथ और बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो सरकार दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ेगा तो भर्ती आने के चांस और जल्दी होंगे। बाकी उन्होंने जो अपनी तरफ से जो पूरी कोशिश की हुई है, और उनका हम आभार भी व्यक्त करते हैं। तो इस लेटर में क्या लिखा है उन्होंने, देखिए, सेवा में माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय हरियाणा सरकार चंडीगढ़, राज्य में नॉर्म के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नागरिक अस्पताल में MPHS मेल एंड फीमेल पद सृजित करने बारे ये लेटर लिख रखा है इसने महोदय। उपरोक्त विषय पर स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ हरियाणा पत्र क्रमांक, ये पत्र क्रमांक दे रखा है और डेटेड दे रखे इन डेटेड को जो इन्होंने जो है पत्र लिख रखा है, और अभी जो इसने समर्ण पत्र 39 में लेटर लिखा है, अभी इन्होंने 38 लेटर से पहले लिख चुके हैं। हम सैल्यूट करते हैं इनकी हिम्मत को कि बार बार जो है MPHS और MPSW भर्ती को लेकर के जो बार बार जो है स्वास्थ्य विभाग को लेटर लिख रहे हैं और अपनी तरफ से जो पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ कहते हैं
कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूँ होता है, क्योंकि हम बार बार प्रयास करेंगे तभी तो हमें कुछ हासिल होगा। अगर प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर भर्ती कैसे आएगी, तो कोशिश भी करनी बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, हिम्मत नहीं हारना है और पूरी जो अपनी लगन से जो है कोशिश करनी है और सरकार पर दबाव बनाना, बार बार लेटर भी लिखने हैं और जहाँ तक धरना प्रदर्शन की अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी करना है, शांतिपूर्वक करना है। तो आपकी सेवा में पुनः अनुरोध सहित लिखा जाता है कि सरकार द्वारा वर्षों पहले में लिखी तालिका में दर्शाएंगे जिला वाइज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत तो कर दिए, परंतु अभी तक उक्त सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर MPHS मेल एंड फीमेल के पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं, जिससे इन उप स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। और महोदय, आपके संज्ञान में यह भी लाना आवश्यक रहेगा कि सरकार की अधिसूचना नंबर ये दे रखी है चंडीगढ़ 26 अप्रैल 2013 के द्वारा जारी नॉर्म के अनुसार प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर एक MPHS मेल और एक MPHS फीमेल के पद स्वीकृत करने का प्रावधान है। तो सरकार के उस पत्र की छाया प्रति 7 संकलन है, इसमें CHC PHC सारी दे रखी हैं और कौन सी उसमें जो है MPHS स्वीकृत पद मेल का जो पद स्वीकृत नहीं है और कौन सी जो PHC है जिसमें MPHS फीमेल का पद स्वीकृत नहीं है, तो उनमें सारे नाम वगैरह दे रखी हैं, कंप्लीट लिस्ट दे रखी है। और फिर इसमें नीचे लिखा है कि महोदय, राज्य के उपरोक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पद स्वीकृत न होने से जहां स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के अलावा सुपरविजन का कार्य प्रभावित हो रहा है, तो वहीं पर MPHW मेल और MPHW फीमेल कार्डर के कर्मचारियों पदोन्नति के अवसर भी कम हो रहे हैं। तो पिछले 4 साल से लगातार पत्राचार माध्यम से अपील के बावजूद कोई सकारात्मक कार्रवाई न होने से स्वास्थ्य कर्मचारियों में भारी रोष है, और इसलिए आपसे निवेदन है कि सरकार के नॉर्म के अनुसार राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर MPHS मेल और MPHS फीमेल के पद स्वीकृत करवाने की कृपया करेंगे ताकि स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। आशा है कि आप स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ हरियाणा की इस अपील पर शीघ्र अतिशीघ्र सकारात्मक कार्रवाई करने की कृपया करेंगे ताकि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य सेवा सुचारू रूप से प्रदान की जा सके। धन्यवाद। ये जो लेटर उन्होंने लिखा है, महामहिम राज्यपाल महोदय जी हैं, हरियाणा सरकार चंडीगढ़, मुख्यमंत्री जी हैं उनको, विधानसभा अध्यक्ष जी को, और माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को, माननीय मुख्य सचिव महोदय हरियाणा सरकार चंडीगढ़ को, माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय वित्त विभाग हरियाणा सरकार, माननीय मुख्य सचिव महोदय स्वास्थ्य विभाग हरियाणा, माननीय महानिदेशक महोदय स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा HOD पंचकूला, और माननीय महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा पंचकूला, माननीय स्वास्थ्य महानिदेशक महोदय स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा पंचकूला, और माननीय निदेशक, जो टोटल जो है 15 जगह जो है लेटर जो है भेजा है हमारे प्रधान जी हैं स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ के श्री राम वर्मा जी। और मैं अभी वीडियो को जो है बंद नहीं कीजिएगा, मैं अभी और भी इसी वीडियो में जो अपडेट दिखाने जा रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। अब ये दिखाऊंगा कि जो है MPHW मेल और फीमेल के कितने पद रिक्त हैं, कितना क्या कुछ है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ MPHS के जिला वाइज दे रखे हैं, जो 2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या है शहरों की उसके अकॉर्डिंग जो है पॉपुलेशन दे रखी है और साथ ही जो है पद दे रखे हैं। तो उसमें मैं टोटल बताऊंगा, न कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, उन डिस्ट्रिक्ट वाइज बताऊंगा तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उसमें जो है 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है MPHS मेल के पद जो है 203 पद होने चाहिए फिलहाल, लेकिन वर्तमान में जो है सिर्फ 94 पद ही जो MPHS मेल के स्वीकृत पद हैं, और 2011 जनसंख्या के अनुसार जो है स्तरीय शहरों में MPHS मेल के पदों का अंतर जो 109 है, यानी 109 पद जो है और ज़रूरत है। तो उसी प्रकार जो है मैं अब MPHW के दिखाता हूँ, MPHW के भी जो है ये दे रखी हैं, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रखी हैं, पॉपुलेशन दे रखी है और साथ ही जो है कितने पद कहाँ जो है स्वीकृत हैं और कितने जो है भरे हुए हैं और कितने का जो है अंतर है। तो नॉर्म अनुसार जो है जिला स्तरीय शहरों में MPHW मेल के पद जो है 1184 पद होने चाहिए, और जिनमें से वर्तमान में जिला स्तरीय शहरों में MPHW मेल के केवल 465 पद ही जो स्वीकृत किए गए हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार जिला स्तरीय शहरों में MPHW मेल के पदों का अंतर 719 यानी 719 और होने चाहिए, यानी 719 पद जो है कम हैं अकॉर्डिंग टू 2011, लेकिन अब तो 2021 चल रही है, हर 10 साल में जनगणना होती है और उसमें जो है आम बात है पॉपुलेशन बढ़ना, लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती है तो पोस्टें भी जो है बढ़नी चाहिए, लेकिन इन्होंने तो 2011 अकॉर्डिंग भी जो है 719 पद कम हैं। तो इसीलिए जो हमें आवाज़ उठाना होगा और मिलकर आवाज़ उठाना होगा और ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ के साथ मिलकर के जो है आवाज़ उठानी है, और जहाँ तक तो उसके अगर
हमारे प्रधान जी रामेर वर्मा जी हैं, भर्ती को लेकर के कहीं पर धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं या कुछ और प्रोग्राम करते हैं, उनमें भी जो हमें जो है अगर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें तो और भी अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही फिलहाल दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही जो है अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएँ।